आपको पंजाब हरियाणा में बांटेंगे, आपको सिख नौ सिख में बांटेंगे, आपको जाति और धर्म में बांटेंगे। बंगाल में भी बड़ी मीटिंग होगी, वहां की सरकार कुटन कर रही किसानों को, भारत सरकार बंद कर रही, एमएसपी पे कानून नहीं और गोदाम पहले बढ़ा दी। ये भी किसानों को ज्ञान हो जाना चाहिए कि देश में कृषि मंत्रालय नहीं है। आज इतने भी पॉलिटिशियन दिल्ली की चमकी की कोठियों में बैठते हैं, उनको गांव की अधिकता नहीं पता, लड़ाई भी लड़ते रहे और कानून भी बनवाते रहे, उसका ना हरियाणा बचेगा ना पंजाब बचेगा और ना ये देश का किसान बचेगा। सभी बुजुर्गों और नौजवान साथियों, मेरी माताएं बहने, पुलिस प्रशासन के लोग, पत्रकार बंधु, मुद्दा भी वही है जो सर छोटू राम ने 1938 से शुरू करा एक आंदोलन, और स्थान भी वही है कि जो सर छोटू राम की जन्म स्थली उस अंग्रेजी हुकूमत में, जब एक तरफ देश आंदोलन की लड़ाई लड़ रहा था, उसी टाइम पे किसानों को हक कैसे मिले, अंदर सरकार में रह के नो एक्ट बनवाए, नो कानून, लड़ाई भी लड़ते रहे और कानून भी बनवाते रहे। ये जमीन किसान की नीलाम नहीं होगी, ये कानून उस टाइम पर बना। मंडी एक्ट चौधरी चरण सिंह ने पूरा डाटा लिखा गया, वहां लागू नहीं हो पाया उत्तर प्रदेश में। छोटू राम जी ने अपने अधिकारी भेजे, वहां से पूरा दस्तावेज मंगवाए, वो यहां पर लागू करेंगे। और आज हम अगर देखते हैं, आप उत्तर प्रदेश के और पंजाब और हरियाणा के लोग जब वहां पर जाते हैं तो देखते हैं कि 72-73 साल से पंजाब और हरियाणा को एमएसपी मिलता है और उत्तर पूरे देश को नहीं मिलता, तो खुशहाली, क्योंकि हम अपनी फसल आधे रेट में बेचते हैं और हरियाणा में फसल बेचते हैं जाकर उत्तर प्रदेश के साथ। ये तालमेल है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस में बहुत दिन से डीजल जहां सस्ता होता था वहां महंगा होता था, लड़ाई ये होती थी कि भाई हरियाणा के बराबर कर दू, लेकिन जिस तरह के कानून आ रहे हैं उससे ना हरियाणा बचेगा ना पंजाब बचेगा और ना ये देश का किसान बचेगा। मतलब जो पद्धति, जो कानून, कृषि उत्पादन मंडी, गिरवी रखी हुई जमीन के एक्ट बने, सरकारी पंजीकरण एक्ट बना, और ये भी एक्ट बना था कि अगर किसी ने 100 रूपये कर्जे पर ले लिया, अगर उसने 200 दे दिए तो पूरा खत्म हो जाता था। ये एक्ट बने थे दो तरह के एक्ट के सारे, संपत्ति बंटवारा वो कैसे होगा, तो ये सारी चीजें बनी थी। हम उसी सर छोटू राम की जमीन पे आज हैं, आज हम लड़ाई और लड़ते हैं कि जो उस टाइम पर जो कानून बने उनको आज तोड़ा जा रहा है, क्योंकि छोटू राम जी गांव में पैदा हुए, उन्हें गांव की पृष्ठभूमि का पता था। आज जितने भी पॉलिटिशियन दिल्ली की चमकीली कोठियों में बैठते हैं, उनको गांव की अधिकता नहीं पता। हम एक कमेटी में थे भारत सरकार की, वो चंद्रा कमेटी थी, उस पर 3 साल काम करा, फसलों का रेट क्या हो देश में उस पर हमने काम करा 3 साल, करीब 22 मीटिंग उसमें हुई, और वह कमेटी की रिपोर्ट पूरी रखी हुई है वहां पर। उसमें था जो वहां के अधिकारी थे, उन्होंने कहा कि किसान का बैल 165 दिन खेत में काम करता है तो उसके 165 दिन की मजदूरी लगा दी जाए। हमने कहा भाई दिल्ली के पढ़े लिखे लोग हैं, इन्हें पहले अपना लिखत पढ़त कर ले। जब हमारा नंबर आम आश्रम, हमने कहा भाई 165 दिन के बाद में बैल कहा जाता है वो बता दो, कहने नहीं जब उसने काम 165 दिन करा, मगर वो कहां का आया, कहां फिर गया, वो उसके बाद में कहां रहा, उसने कहां घास खाया, किसने उसको पानी दिया, वो कहां से आया, ये तो बता दो। अरे बैंक से काम करवा लो या मत करवा लो, घास तो खा लो,
वो पानी लगाओ तो ऊपर आदमी बिक लीजिएगा। तो भाई इतने बुद्धि जी वहां पर आदमी बैठे हुए हैं जो आपके फसलों के फैसले करते हैं। उन्होंने कहा कि फसलों की कीमत एक है, उससे अलग 16 प्राइमीटर और है, 16 चीजें और हैं जो फसलों के रेट में बाधा बनती है। कहने लगे हमको उनको भी देखना है। देश में कोई कृषि मंत्रालय नहीं है, यह भी किसानों को ज्ञान हो जाना चाहिए कि देश में कृषि मंत्रालय नहीं है, भारत सरकार में कृषि मंत्री नहीं है, न किसी स्टेट में देश की जनता को और किसान को धोखा दिया जा रहा है। जो हमसे वार्ता करते हैं उसके परसेंट पास में 18% कृषि मंत्रालय के चार्ज हैं, उसके अलावा और हैं विदेश मंत्रालय, फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री, रेलवे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये 17-18 विभाग है जो एग्रीकल्चर को देखते हैं। हमने भारत सरकार को कहा कि आप एग्रीकल्चर कैबिनेट का गठन करो। जब तक एग्रीकल्चर कैबिनेट का गठन नहीं होगा, जब तक कृषि पे अलग से बातचीत नहीं होगी, गांव और किसान का भला हो ही नहीं सकता। कोई जानकारी वहां पर दिल्ली में नहीं है, दिल्ली में है व्यापारी को कैसे फायदा होगा। एमएसपी पे कानून नहीं और गोदाम पहले बढ़ा दिए, गोदाम बढ़ गए बहुत बड़े बड़े, जितना पंजाब और हरियाणा अनाज पैदा करता है ना उनके गोदामों में चला जाएगा। भूख आदमी को कितनी लगेगी, देश में भूख के आधार पर कीमतें तय होगी, ये एक नया व्यापार आया है, गरीब आदमी मारा जाएगा। किसान तो चलो यहाँ पे दाल और चावल सा बच जाएगा, लेकिन दूसरे फसल तो उसकी भी कीमतें डाउन है, लेकिन उस गरीब आदमी का क्या होगा, उस दुकानदार का क्या होगा, जो शहर में रहने वाले लोग क्या उनका क्या होगा। ये बाजरे का रेट 11 रुपया किलो बाजरा बिकता हो और शहर में 120 रुपये किलो का बाजरे का आटा बिकता हो, उसको नहीं पता, उसको ये पता है कि किसान मुझे महंगा देता है। लेकिन जो बीच का आदमी है उसको नहीं जानता बीच का आदमी कौन है। ये बीच का आदमी जो भूख पर व्यापार करता है, ये आदमी आपके बीच में आ गया। वो पहले व्यापार करते थे सोने का, उन्हें कहा कि सोना हमारी जो महिलाएं हैं वो एक साल में 17 बार इस्तेमाल करती है सोना, अपने घर में रखती है। जब 30 द्वार होता है, जब कोई फंक्शन शादी ब्याह होता है, तो उस टाइम पे हमारी माताएं पहले सोने का इस्तेमाल करती है। 17 बार का डाटा है देश में। उन्हें कहा कि अनाज कितनी बार करता है, कि भूख 700 बार लगती है आदमी को। तो व्यापार भूख पे करो, नया ट्रेंड पूरी दुनिया में आया है कि भूख पे व्यापार होगा। और जब अनाज, जब रोटी तिजोरी में बंद हो जाएगी, फर्टिलाइजर जो दिल्ली के चारों तरफ लगे हैं, वे आपके गोदाम के चारों तरफ को होंगे, बंदर जितना भी चलना है अंदर से रोटी नहीं जा सकता, बंदर भी इस तरह के फर्टिलाइजर और किले लगाई गई है, बंदर भी नहीं क्रोध हो सकता। कुत्ते भी देश में भूख से मरेंगे, कुत्ते भी आदमी की तो छोड़ दो, जो जिसको दान करते हैं ना वो कुत्ता भी देश में भूख से मरेगा। भूख का व्यापार, नया व्यापार दुनिया में ये नया ट्रेंड आया है, इसका विरोध करना है पूर्ण रूप से। मैं यहाँ का जो पंजाब हरियाणा जितना भी दिल्ली के चारों तरफ जो किसान उठता आया है, ये एक नई बिरादरी आई है किसान, ये नई बिरादरी की गोली भरकर आपको आपस में इसको तोड़ने नहीं देना। आपको छोटे बड़े में बांटेंगे, आपको पंजाब हरियाणा में बांटेंगे, आपको सिख नौ सिख में बांटेंगे, आपको जाति और धर्म में बांटेंगे, इनसे बगल हट जाना। अब की बात, पहली बार पंजाब का सिख साथ में आया है, इसको छोड़ना नहीं। इससे मजबूत कौन नहीं, हमको भी बहुत दिन से तलाश थी कि पंजाब साथ में आ जाए तो हम क्रांति ला देंगे। अब की बात मिला, पंजाब साथ में मिला, इतनी मजबूत जत्थेबंदी साथ में मिली है, हम दानपुर कर सकते हैं। वो हमारे पास में ठियेबंदी नहीं थी, जो लंगर चलाने की व्यवस्था थी वो नहीं थी, हमने बहुत पंचायतें करी। टिकैत साहब भी कहते थे कि भूख हड़ताल से देश में कुछ नहीं होने वाला, उन्हें कहा कि अपने भंडारे चलाओ, हम 1 दिन 2 दिन 10 दिन हर गांव का रोटी मंगवा कर भंडार में दे सकते थे। लेकिन जो ठियेबंदी, जो बड़े बड़े टप भंडारे, जो लंगर चलाने की जो व्यवस्था थी, या हमारे साथ कभी नहीं बढ़ पाई। अब उनका बहुत ही सीखने को मिली हमको, और ये ऐसा गठबंधन बन गया, आपस में चिट्ठी पत्री दो, रिश्तेदारी माना जाना करो, पंजाब और हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, ये नहीं क्रांति जाएगा, ये
पूरे देश के किसानों का भाग्य का फैसला ये धरने करेंगे। इसको सुचारू रूप से चलाते रहो, पंचायतें करते रहो, पूरे देश भर में हम पंचायतें करेंगे। हम जाएंगे गुजरात में भी जाएंगे, महाराष्ट्र में भी हम जा रहे हैं, जहां पे हमारी पंचायत होनी है। लॉकडाउन होगा 20 तारीख का, हमने दूसरी जगह रख दी हमने पंचायत, और कोरोना में 20 तारीख की पंचायत थी, लॉकडाउन होगा, हमने दूसरी जगह रख दी। पंचायत जरूर करेंगे, सब जगह पूरे देश में पंचायत करेंगे। हम जाएंगे बंगाल में भी जाएंगे, बंगाल में भी बड़ी मीटिंग होगी, वहां की सरकार कुटंकर नहीं किसानों को, भारत सरकार के अंदर भी जाएंगे, बांधना किसी का होगा पंचायत वहां पर भी करेंगे। देखा ब्राह्मण सारी तत्वबंदी जाएगी, वहां पर भी पंचायत करेंगे। ये तो रेल चलवा दो, पंचायत सब जगह होगी, और इन्हीं पंचायतों से ये भारत सरकार फैसले करेगी। जिस तरह से हरियाणा का साथ मिला है पूरा, जिस तरह से पूरा हरियाणा जो यहाँ पर धरने चल रहे हैं उसका साथ दे रहे हो आप लोग, आप इसी तरह से साथ देते हो, किसी छोटाई बढ़ाई में मत जाना। हरियाणा के लोग बहुत क्रांतिकारी हैं, वो आपस में उतने क्रांतिकारी चल रहे हैं। आप लड़ने का काम आपस में मत करना, नहीं तो ये किसान बट जाएगा। आपको जो कुछ करना उसके बाद में कर लेना। हमने बार बार कहा है न पंच बदलेंगे और न स्टेज बदलेगी, हमारा पंच भी वही रहेगा और हमारा मंच भी वही रहेगा। जो सिंघू बॉर्डर है, हमारा मंच भी सिंघू बॉर्डर है और हमारा पंच भी वही रहेंगे। हमारे 40 जत्थेबंदी है, आप उस 40 जत्थेबंदी पे विचार करना, उस 40 जत्थेबंदी को आप पीछे से सपोर्ट करना। हम फैसले उसी 40 जत्थेबंदी से सरकार से करवाएंगे, आप विश्वास रखना। पूरे देश के फैसले यहां से होंगे, ये जत्थेबंदी करेगी, एमएसपी पे कानून भी बनेगा जिससे आसाम के किसान को लाभ होगा। जिसने कभी एमएसपी पे अपना बेचा ही नहीं कुछ भी सामान, जो बिहार वहां की मंडियां खत्म कर दी, बिहार में मंडियां खत्म कर दी, वहां पे 55 फुट के बाहर से हमने पूरी मंडी पे वहां का व्यापारी लूट रहा है। आज भी हजारों ट्रक बिहार उत्तर प्रदेश से धान हरियाणा और पंजाब के व्यापारी खरीद कर जाते हैं, यहाँ के सेलर खरीद कर जाते हैं। सस्ते रेट में 700-800 रूपये क्विंटल में धान की खरीद होती है, 1100 रूपये में धान की खरीद होती है। आपकी जिम्मेदारी है हरियाणा पंजाब उत्तर प्रदेश और राजस्थान जो दिल्ली के 400 किलोमीटर के क्षेत्र के लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि पूरे देश के किसानों के ऊपर आपका भार है, आपके ऊपर उसको बेवकूफी आप निभाओगे, यह हमें पूर्ण रूप से उम्मीद है। और आगे से जहां पर भी पंचायत हो, क्योंकि इतनी बड़ी भीड़ यहां पर है, लेकिन क्या हुआ ये भी आपको समझना है, भीड़ बहुत है। स्टेज कहां पर बनाया, हमेशा आने वाले टाइम पे स्टेज कहां पड़ना चाहिए वो भी सब लोगों को समझना चाहिए। स्टेज वहां पड़े के सूरज स्टेज पर बैठने वाले लोगों के मुंह पे हो, और पीठ जो पब्लिक है, पब्लिक के पीठ के ऊपर सूरज रहना चाहिए, तो आपकी भीड़ कम नहीं होगी। पब्लिक अगर कम होगी, इसके चेहरे पर सूरज लगेगा तो भीड़ घट जाएगी, और मंच पर ज्यादा भीड़ होगी। जब सूरज मंच के लोगों पर लगेगा तो मंच पे भीड़ कम होगी और पब्लिक में भीड़ ज्यादा होगी, हमेशा आप ध्यान रखना। क्योंकि जितने लोग यहां पर जा रहे हैं, माताएं बहने ये ऐसे कर रही, सूरज आंखों के सामने है, नेता बिल्कुल सुरक्षित है, नेताओं पे धूप रहनी चाहिए चेहरे पे और पब्लिक की पीठ पर सूरज रहना चाहिए, तो आपको भीड़ की कमी ही लगेगी, कोई भीड़ की कमी यहाँ पर नहीं है। लेकिन सूरज ने पूरा डिस्टर्ब कर दिया इन चीजों का। आने वाले टाइम पे मंच कहा लगे, वो मंच हमारा बहुत बढ़िया था, पक्का मंच था, आप वहां पर लगाते ये पूरा खचा खचा आपका भरा रहता, भीड़ की कोई दिक्कत नहीं है, भीड़ बहुत है, लेकिन भाई आपने पूरा बात खर्चा ज्यादा कर दिया और सूरज पब्लिक के सामने आ गया। इन चीजों का ध्यान रखें, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग यहाँ पर आए, और सभी मीडिया कर्मियों का एक चीज का आप जरूर ध्यान रखेंगे, जो मीडिया के लोग हैं आप इनसे प्यार रखते हैं। एक होगा कि मीडिया हमारी खबर नहीं दिखाता, अरे मीडिया के ऊपर कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा है, कैमरे और कलम पे बंदूक का पहरा है, ये कैसे दिखाई आपकी बात। आने वाला टारगेट तो इन पे ही है, सेंसर बोर्ड लगाकर इनके ऊपर एक खबरें जाएंगी, एक खबरें छलकर जाएंगी,
महंगाई का क्या हाल है? आज डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, उसका असर किस पर पड़ेगा? उसका असर आम पब्लिक पर पड़ेगा। कोई गाड़ी नहीं चला रहा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, स्कूलों की फीस बढ़ रही है, ट्रेन नहीं चलवाई जा रही, क्योंकि ट्रेनों को बेचने का प्रोग्राम है, इसलिए ट्रेन नहीं चलाई जा रही। हमारा है कि ट्रेन भी चले, महंगाई भी कम हो, फसलों के रेट भी बढ़े, तीन बिल वापसी हो, एमएसपी का कानून बने, ये हमारी इस मंच से डिमांड है। और जो लोग यहाँ पाए सभी का धन्यवाद, धन्यवाद जी। आगे हमारे बड़े भाई सब लोग बैठ जाओ, जो हमारे सीनियर लीडर हैं, राज्यपाल जी होगा साहब आपके बीच में बोले, आप राज्यपाल जी की, क्योंकि हमारे सबसे सीनियर लीडर राज्यपाल जी जत्थेबंदी के हैं, आप जरूर जो खड़े हैं, आप खड़े खड़े सुन लो राज्यपाल जी की, आप जरूर बात सुनोगे, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, और राज्यपाल जी की आप जरूर बात सुनकर जाओगे, बहुत सीनियर लीडर हमारे राज्यपाल जी है, इस पूरे जत्थेबंदी के राज्यपाल जी आओ।